प्रकृति के गोद में आप सब लोग के स्वागत है। प्रकृति के गोद में आज पहुंचल है जा रानी को लिए। हमारे आसपास से तरह तरह के सुंदर फूल पौधा बाटी, तितली भी उड़त बाटी, साथ में कुछ चिड़िया भी बाटी जो चहचहा थवन जा। और है जा परी हमारे पीछे देख बजा वो पहाड़ बाते जहाँ पर हरियाली छाल बाते, कुछ ही दूर में देखबा काफी दूर में है जैसे समंदर भी दिखाई देवत बाते। तो आज के प्रोग्राम में हमने इस जगह के खूबसूरती के उभार जाते और है जा पर तरह तरह के पेड़ पौधा बाते, गाछ बाते, है जा वो बुआरे नाग बाते, हो जा बुआरे बैन बाते और है जा पर वो छोटा सुन गाछी से कब जा बोले जरा सौसी बोलल जला यानी कि लजौनी। एक जैसे ही छुब छुमी यानियर ये बन हो जला, जैसे कि वो अपने आप में समेट जला, एक तरह से अपन सुरक्षा भी करेला। और हमने के जो बुजुर्ग लोग से सुनले हैं जा ये लजौनी जो है वो दवा भी है, एकरा उबाल के या फिर दूसर तरीके से भी इस्तेमाल करल जला। जो लेका लोग बहुत खिस करेलन जा, गुस्सा करेलन जा, ये बोलल जला ये लजौनी वो लोग खातिर दवा के रूप में काम आवेला। प्रकृति की गोद में तितली जंगली फूल से रस चूस रहल बाते, साथ में उमानो खुशी के मारे अपन पर भी हिलावत बाते। एगो ऐसे नजारा जन आजकल सकरो ने दिखाई देविला, सकब जा बोले कि प्रकृति के मनमोहक रो। शिवोली जी नमस्ते। नमस्ते। आपके इंतजार है ये खूबसूरत जगह में। अच्छा, तो हमने की सबसे पहले आज जो बातें इस जगह की विशेषता के बारे में थोड़ा सा बताओ, कहाँ पर हैं जा? अभी निकोलिया के सीमा में है सा, तेन ऊपर ताले निकोलिया जापसा का जेवा है यहाँ। तो जा फिर एक जगह बा व्यू पॉइंट, तभी व्यू पॉइंट यहाँ है सा, तो पाछे की नजरा देखा था कितना जोली बा, ढेर टूरिस्ट लोग है जा पर आवेला हर नजरा देखे के। आजा फिर एगो गांछी बात है बुआटना जिका भाई गांछिया और हजा फिर एगो बुआटे बहन बात है। हाँ, तो बुआटनाथ तो बोला ये बुआटनाथ की कौन सी महत्व है? बुआटनाथ एगो गांछी तनी मोटा हो जाला, एक से मेप बनेला, एक मेप ढेर दिन रहेला। पीछे ढेर हिस्ट्री बा मोरिस के। बिल्कुल, तब मोरिस देख हुए हो रहा और डच लोग सब डच लोग काट के यूरोप भेज रहे हैं जा। हाँ, एक दिगो छोड़ दिल मंसा जाने से लंसा काटे लाओ मोटाई में ने ने से लंसा जाए तो उसे छोड़ दिल मंसा। और ये सब कब जा बोलिए गो एंडेमिक गांछी है एंडेमिक है अब भी का रक्षा कर रहा जाता। हाँ, रक्षा और एक काटे के मना है मना है। अच्छा, दर्शक लोग के याद दिला दे इलाजा ये बुआदेनाथ और बुआदे बहन जो बात है गोगा गाछी है एक राकनब तो थोड़ा जुड़वाना भी हो सके। जरूर। अच्छा, तो अब पीछे में दिखे थे जाओ बहुत सुंदर है मोटाई भी बात है। हाँ। ई पर्वत के बारे में बताओ। है मोटाई मरुस्थलिया है, देखो मैं प्लांटेशन नहीं बात है, सब नेचुरल है। अच्छा, सब नेचुरल प्लान बात है। हाँ। मैं ओकर ओकर के बदल ओकर पीछे होने सासे बात है होने पाइन की गांछी बात है वो प्लांटेशन है। अच्छा, यही नेचुरल है यहाँ पे। तो ये हमने के देश के खूबसूरती है दिखता, छोटा सुन टापू बातें कहीं पर हरियाली बातें जैसे कि मोटाई बातें, तो बिल्कुल ढलान पर दिखता प्लांटेशन भी हो रहा है। देख रहे थे जा गन्ना की खेती भी बातें और साथ में सब्जी भी बातें। सब्जी बात गेहूं बातें। अच्छा, जैसे कि हमने के छोटा सुन टापू में सब वैविध्य दिखाई देवेला है जा, सीमा बातें, खेती बातें, पहाड़ बातें, हरियाली। अच्छा, तो चला आज के प्रोग्राम में हमने ई लानिकुलिया जगह के बारे में और भी पता लगाया जा। हाँ, चला।
یعنی ہمنی کے دیش کے گچھ ہبی ہا جوالا مکھی سے بنل ہمنی کے ٹاپو کہیں پر اونچائیں باتیں تو کہیں پر ڈھلان جوالا مکھی کے علاوہ سوکھ کے پتھر بن گل اوکر بعد مٹی اور سمے کے سنگے او مٹی اپجاؤ فرٹائل ہو گل با اور اوکر گود میں طرح طرح کے پیڑ پودا اگل باتے لانیکولیا کے جنگل ایگو نیچرل فورسٹ ہے یعنی کہ جکرا پلانٹل نہیں گلبا ہیجا کے گاچ ہی اپنے آپ اگل باتی بلکہ جنگل کے کاٹ کے اسی ماں بناول گلبا یہ علاقہ میں اکثر بارش ہوئیلا ایک خطیر ہیجا ہریالی ہمیشہ چھیلے رہیلا گاچھی لوگ کے جری راستہ کے دونوں طرف دکھائی دے ویلا ہمنے کے گائیڈ بولی جی بتیلن کہ گاچھی لوگ علاقہ میں پانی سوکھ کے رکھے لن جا اور دھیرے دھیرے اوکرا چھوڑے لن جا کہ پانی جنجا کے لانیکولیے جلاشے میں جمع ہوئیلا جیسے جیسے ویو پوائنٹ کی اونچائی سے ڈھلان کی اور بڑھنے جا ویسی ویسی لانیکولیے جلاشے کی جھلک ملنے لگا راستہ کے دونوں طرف گاچھی کنج کے روپ میں باتی جکر سے یہ راستہ چھایا دار ہو گل با راستہ بھی کافی تنگ باتے ہے جا بہت ہی ساودھانی پوروک ڈرائیو کرے کے چاہیں تیرا میرا راستہ صاف نکھن جن پروت اور جنگل کاٹ کے بناول گل با ہے جو کہ ماحول گاؤں اور شہر کے وکاس سے ایک دم بھن الگ باتے سکب جا بولے کہ ٹاپو کے جنگلی استھتی کے جھلک ہے جا پاوے سکب جا جنگل کے راستہ پار کر کے گو گرین کونے پر پہنچی جا یہ جگہ کی ویوستھا خاص روپ سے کرا گلوا جمے گھومے آئے ہولا لوگ ہے جا سکین جا تھوڑا آرام کرے بیٹھ کے جل پان کرے لانیکولیے کے گڈ ڈھلان پر ہیں جا وہ سلوپ پر ایک طرف ہمنے کے ایک طرف جنگل باتے دوسری طرف کچھ ہی دوری پر ہجا پر جلاشے بھی باتے تو شری بولی جی ہی جنگل جن باتے بجھا تا گو نیچرل فورسٹ ہاں ایگو نیچرل فورسٹ ہے تب یام بولے دلی نکولیے تنس پر لاہور علی صاحب تن سے نیچے آل ہیں سا تو دیکھ بار سگرو بھی نیچرل فورسٹ بات تب نیچے جب سا تب پلانٹڈ فورسٹ پانی آبے لتا تو دیکھ بھا گاچیاں سب لاہو ایگو کانوپی کرے لا پانی آبے لتا اوکو لیمپاک آموچی کر دے ویلا تو پنیا گرتے گرتے کو تھو میں سے نیچے نیچے آبے لا تو او ایگو لپونزیاں آک کرے لا تو پنیا جا کے جلاشے ایک بار جن پیچھے بغل جا پڑی تو او میں جالا تو وہ ایک ریزروا بننے لگ سی اچھا مطلب کہ جو نے بھاری بارش جو نہ ہوئی لا او جگہ مطلب کہ جلاشے میں نہیں جانا نہیں جالا ای جنگل کے ذریعے مطلب کہ او دھیرے دھیرے پانی کے چھوڑے لا ای مٹیا تب جا کے او جلاشے میں جالا مطلب وہ لپونز دین کام کرے لا اچھا مطلب یہ پانی ہے جگہ کلیم پاک ماٹی میں جائے تو بہت بھاری ایروژن ہے اور روز اوپر ماٹی سب ہر جگہ ہو جاتا جی جلاسا پانی نہیں رہی خالی روز رہی اور ماٹی رہی اچھا مطلب کہ یہ مٹی کی بہاؤ کے خطرہ رہے لا خطرہ رہے لا اور یہ جو نے پیر جن گاچھی ہے اور کا جو نے غاسین ہے اور جڑ وہ سب مطلب کہ وہ مٹی کے بھی سنبھال کے رکھے لا سنبھال کے رکھے لا اور بہت نیسے سے اباؤ جمیں مٹیا جمیں نئی
इरोजन नहीं हो, पकड़ के रख ले बा। अच्छा, पर अभी भी जब गुजरबा डिब्बा मतलब कि ऊंचाई से दिखाई देवेला इस सब गाछी ओकर जड़ भी, और डर लगेला कहीं मतलब कि कभी भी वो रास्ता पर न गिर जाए। मुबेतों में के कला गिर जाला, एक दो को गिर जाला, पास की आशीर्वाद दिखला कि मारे कले तेनी ऊपर चला पाती तो थोड़ो एक एक कला रुसवो गिर जाला। अच्छा, हाँ हम जैसा पॉसिबल है कहला रूस बातन उनके जोम बा उनके जनरल वॉ के लोग विदा कही दस सीमा के खोले के। पर आज ली सौभाग्यवश कोनो बड़ा हादसा नहीं पेश आवा। अभी ले नहीं, नहीं सुन नहीं अभी तक। एक अलावा है जब पर ये गो बहुत सुंदर गाछी बाते जो शान से खरा बाते गो बिरला गाछी थोड़ा सुन एक बार बतावा। ये एक नाम है आगाचिस, देखो कितना बड़ा बाते एक प्लांटेशन करी ला सा। अच्छा, हाँ एक इकोनॉमिक के तनी अच्छा बात है, लकड़ी सब प्लान सब होला और तनी समा तनी सन गत्ते गत्ते जमेला पाई कैसे ज़्यादा जाला मैं तुझे को वारियते डाली ला सर, खाली पाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होला। ये कहते कितना जुली बात है जब। और ये गो एक्जोटिक प्लांट था। एक्जोटिक है। अच्छा, दूसर देश से मतलब है जब पर आनल बाते और ये मोरिस में अडाप्टे हो गए बाते। अडाप्टे हो गए बा। तब ना देखा कितना जुली गाछी बा। कितना सिक्लोन आल बा वो बिली बा ये। मतलब कि वो मजबूती से रहेला। अलावा कुछ बोलवा है जा परी है जा परी का बोला को गुरु है जा भी कौन तू एस है सा है से बनावल बल एनवायरनमेंट लोग बना दे लवन सा है जा परी मॉरिशियन लोग टूरिस्ट लोग आवेलन से को रेस्ट लेवे पिकनिक करे लन सा जा परी ए पासी को जोली जगह है। अच्छा, तो अधिकारी लोग सब जनता के सुविधा खातिर जंगल के बीच छोटा सुन जगह बनैले हवन जा गुलिस पास वैत जकर बोलल जाला सक बजा आए है जा परी अपन मतलब कि सगरो घूम के थक जेबे त सक बजा आके है जा परी थोड़ा आराम फरमाए। पर एक बार फिर से याद दिलावब आप अपन कचरा अपन संगे जरूर लेके जया है जा से जलाशय की सुंदर नज़ारा भी दिखाई देवेला। तो अभी हमने कोटो एस पर खड़ा है जा ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है, कहे कि एक में बहुत से कोटो बाते सह पाते बाते ये रास्ता। तो बोली जी ये रास्ता बुझाता बहुत पहले ज़माने में वो भी पहाड़ के चेर के दोनों तरफ ही रास्ता बना बनल बा। हाँ ये रास्ता ये बुझाता लिपो कॉलोनियल में बनल बा, ये काजिनी फ्रांसे की अंग्ले की अरब लोग बनाए उनसा मैं समय डेंजरे बा। अच्छा, बुत बुत सीमा डेंजरे बा सीमा हाइजे सिक्लिस होला तो मोरिस हाइजे पासे होलन सा। और दुगो विलाज के मदो सजा विलाज आज सेंट पियर कनेक्ट करेला एगो शॉर्टकट है। और साथ में ये रास्ता काफ़ी खतरनाक के बातें कहे कि बहुत से कोटू बातें ये मांग करब जाए ये रास्ता यदि आप इस्तेमाल करब तो है जा परी चाहे धीरे धीरे गाड़ी चलाएगी। गोल गोल घुमाई होला ये रास्ता पर पैदल चलना से एक अजीब आनंद महसूस हुएला, मूड एकदम रोमांचक हो जाला, हरियाली और इवादी ऊपर से शांति। इगाछी लोग हैजा के इलाका के इकोसिस्टम के बरकरार रखला के साथ साथ उकर प्राकृतिक सुंदरता में और भी चार चांद लगावेलन जा। तंग होला के बावजूद बहुत से गाड़ी इधर से गुजरे लंजा, हमी के आँख जंगल से हटत नहीं रहल, हरियाली देख के मन के गो अजीब शीतलता महसूस होवत रहल। लानिकोलिया के प्राकृतिक जंगल छोड़ के और थोड़ा नीचा आल है जा हजा परी हमने के बगल में एक बहुत से बड़ा भीमकाय विशाल पेड़ है जिनकी आहू का हो जाके है। तो श्री बोली जी हजा परी प्लांटेड फॉरेस्ट भी बात है। हाँ, ये वो प्लांटेड फॉरेस्ट है,
देखा तो आपको कह या बा पाइन बातें आर एक तो देखवा कालू चीज बातें अच्छा मतलब कि ये जंगल आप लोग प्लांट ले हवला जा हाँ बाजे पूरे प्लांट ले हैं सा बस ये जा पर एक रिजर्वा बा रिजर्वा निकोलिया ते रिजर्वा के तुत लॉन्ग तू चाहे लाग पेड़ ते है ने पेड़ कहे कहे ते पेड़न एको लिपोलियंस सर्वी होला पानी वाला था अमोची कले वाला को लैंपा पनिया के जिमें जिरेक माटी में और लैंपाक नहीं करी गत्ते गत्ते पनिया ओके गत्ते गत्ते आन माटी में आनी तब रिजर्वा में जाला और पनिया के सफा कर दे बेला सफा पानी रहेला और मतलब के रिजर्वा में पानी बनल रहेला पानी रहते रहेला तो देश में जहाँ जहाँ जलाशय बाते रिजर्वा बाते इस तरह के जंगल पाल जाला का सग सगरो सब रिजर्वा बा मोरिस में सब दिखबाए गो वाली नियन बा चारों बगल वाली नियन तो हो जा रिजर्वा बनावल बा तो वाली के पानी सब पानी आवे लता तो रिजर्वा में जाला अच्छा तो और ये गाछी जन प्लांटले हवा जा आहो कागजा के अब बोलत हुआ एक कब नहीं काटल जाला है ने पर एक प्लांटेशन नहीं होला कब एक्सप्लॉटेशन होला एगो साइक्लोन आई एगो बड़ा साइक्लोन आई देखा देर गाँव से गिर गल बाते तो ओके काट के बेच दिल सर न तो हजा पर सुखा जाए हजी रह जाए और मतलब कि जब सुखा लाता आप लोग फिर से प्लांटे ला जाओ अभी अपने मैंने दूसरे मतलब कि नेचुरल रिजनरेशन हो गया फिर बार नेचुरल जमेला मैं समा एकदम से ढेर बड़ा डिगा रहे लता प्लांट दिल सर अच्छा और मतलब कि हजा पर आप लोग जगह जगह ये प्लांटेड फॉरेस्ट के देखभाल करे ला जाओ हाँ एक मैनेजमेंट हमने फॉरेस्ट लोग करी ला सा हमने ट्रेन हो गए ऐसे सब पर कब प्लांटे के कब काटे के एक मेंटेनेंस जोन बा हमने के जनरल वॉक है बा वो आके मेंटेनेंस करेगा अच्छा और ये जंगल के भीतरे कोनो प्राणी पशु पक्षी हाँ, बाते भीतर जो बता हरिंग बा आज छोटा छोटा पक्षी बा सब करे के पक्षी बा आप जोन भाई में फिर मुझे कुछ मांगू अच्छा बंदर भी बातें बंदर बा हमने जंगल के रास्ता ले नीजा ऊंचा ऊंचा गाछी जकर पत्ता और डाली के पार करके खिलत रहल धूप के किरण गाछी के पत्ता तना सब आकर्षक दिखाई देवत बातें जा देख बा एगो प्लांटेशन है कि कोमा के है कि कोमा के गांछी जोन बा इसे मेड बने ना से मा हिया पे ने कटाला पास से जा रेजे बा बा पानी के और ई मुरी नियर कोन चीज लोकता हां ई मुरी में है काया हा मुरी नियर लोकता काया के घर काया के घर है ता ई सब गंछा के खाने जाए काया वा हां फिकते के गंछा है वो काली चीज के गांछी है ता इकाया वा के टूरे ला जाओ बेरे के ला जाओ नहीं छोड़े वाला जा हां बस जंगल में बा जंगल में बा अच्छा एक और कोनो अच्छी हो रहा है फोटो छ काया ला नाचे में कोनो ला नाचे में सब चीज चाहे ला काया खरगोश और बंदर सब चीज भाई सबके अपन अपन काम बा सबके अपन अपन काम कर रहे हैं सब ने वो फोगी जुड़ी रही भगवान बनेले बाते सब तरह के जीव जंतु हां याद दिलाए के खुशी रहती कि हमने के जंगल में कोनो भी खतरनाक जानवर ने बाते न कोनो शेर चीता सांप कोनो भी जहरीला इंसेक्ट भी ने बाते
तभी हमने लानी कुलिया जलाशय के किनारे से कब्जा बोले बैठल है जा और है जा पर लानी कुलिया के चारों तरफ गाछे प्रातल बाते जैसे कि श्री भोली जी आगे बतेलन। और अभी हमने के सामने बल्कि पीछे एगो खास गाछे बाते एक जो की पापीरस है बहुत पहले सुने है जा कि जब कागज नहीं रहा हमने स्कूल में सुने रहने जा तो पापीरस के इस्तेमाल पुराने जमाने में करल जात रहे जो की अंशत सिविलाइजेशन रहन जा। थोड़ा सा गाछे के बारे में बताओ बोली जी। भाई गाछिया के बोले जा भोज पत्थर ये सब प्लांटाल बा हैया परी ये जस्ती देखवा अगर तोवा में कागज नहीं निकाले लन सा निकालो हम सुनी ला पंडित लोग निकाल के सर्वी कर लन सा मैं लिखे के मतलब वो गाछे साखरे भी रहा सकेला साखरे वही ना पंडित लोग सर्वी कर लन सा मैं लिखे के। हाँ और भोजपत्र बोले जलाई करा। हाँ भोजपत्र और ये एक भोजपुरी नाम है या हिंदी नाम है पहला हला हम भी सुने थे जा पापुरस भोजपत्र। अच्छा तो ये गो मतलब कि ये गो एक्जोटिक प्लांट है। एक्जोटिक है और देव से आने लगा। हाँ पर देश देश में जगह जगह ये गाछी हमने की दिखाई दे मिला देखो गाछों का थी नहीं ये वो जोली देख बा गाछा जोली बाती और देखो अगर थोवे उज्जर है थोवे थोवा निकाल निकाल के पत्ता कागज नहीं निकले ला चले का लोग बारह आदमी सब निकाल देखा सब गाछन में निकल ले वन सा। अच्छा हाँ तो ये उल्लेखनीय है कि बहुत से एक्जोटिक प्लांट जो बातें है जा हमने के क्लीमा के हमने के माहौल के अनुकूल बन गलबा अडाप्टे हो गलबा एक खातिर चीन से दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका से मतलब यूरोप से दूर दराज देश से भी बहुत से गाछी आन कर मॉरिशस में प्लांट गल बा आज वो लोग मॉरिशस के गाछी होके बन गल हम जा। धूप के किरण में लानी को लिए पानी एगो शांत समंदर नियर नजर आवत बा। जलाशय के पानी उत्तरी प्रांत में सिंचाई खातिर प्रयोग करल जला। जलाशय में बहुत सी चिलापिया मछली बाती काहे कि बहुत से लोग मछली पकड़ते दिखाई देला। जलाशय में गिव्या जुहापा नदी और मिदलन से भी पानी आवेला। जलाशय के मध्य में नहीं बल्कि उस जगह पर खड़ा है जा जहाँ पर ही सबसे गहरा सकब्जा बताए और ये जो उपकरण है जहाँ पर ही एकर से पानी के स्तर के नियंत्रण को खोले कर चला। और साथ में अभी जिस समय हमने ये प्रोग्राम करत हैं जा सकब्जा बोले कि जलाशय में जलाशय भरल नहीं बाते पर वो सुखल भी नहीं बाते है जहाँ पर ही पर्याप्त पानी बाते और है जा हमार पीछे जो बातें बहुत से लोग है जाल हवन जा है जा पर पिकनिक करे कुछ लोग है जा पर पास टाइम करत हवन जा मछली पकड़त हवन जा कुछ लोग ऐसे भी हवन जा जिनके मछली पकड़ के अपन जीवन के गुजारा करे लन जा। तब बोले जी हमने के बतावा है जा पर ये जो लानी को लिया जलाशय बातें है जा पर पानी कहाँ से आवेला है जा के पानी देखवा एगो पाछे एगो कोलिन नियर बाते पन्या उधर से आवेला अरे जागो नदी बा रिवा जी हाँ पा उमे से आवेला अरे गो कनाल लिखवा कनाल निकोलिया बोली ला सब ओके वो पानी मिडलैन से आवेला मिडलैन वो लौंदवा बा मिडलैन और जैसे पन्या आवेला लिखवा पाछे बगल कैसे पन्या हेला था जलाशय में। अच्छा
मतलब कि जहाँ ऐसा कब डबले साल भर पानी रहेला रहेला पानी भरती नहीं रहेला में पन्या रहेला हाँ के कला तनी कम की हो गया दिसाम के महीना में अच्छा नवाम दिसाम के महीना और ये भी है जब कि जिन जलाशय के पानी बाते ये मतलब कि ये पे पानी नहीं है एक इरिगेशन का तिर सेवी होला है पन्या जैसे इरिगेशन का तिर जला लिनो में और यहाँ पर कान इरिगेशन होला और लेगीम जैसे पानी होने चल जाला अच्छा मतलब कि ये जलाशय के पानी से सिंचाई हुएला खेती खातिर और साथ में देखे दे जा पीछे में एक सुंदर मोटा है सुबह हाँ वो को प्लांटर प्रोग्रेसर को पाया के हम तो जब इतना सुंदर है वो और एक और पाँच के कौन सी बात है वो एक वो मोटा है हाँ अगर मोटा के पीछे वो गांव बा कोंगो में अच्छा इन्हें से सकवा जाए चल के मिसमात नहीं कठिनाई बाते अनुपम दृश्य मानो पहाड़ के गोदी में बसल बाते ये जलाशय दूर से यही बुझाए ये जलाशय हर कोना से सुंदर मनोरम दिखाई देवेला पानी के ठंडक ऊपर से हरियाली हमने के कैमरामैन कादिर हर एंगल से इकरा फिल्माई के प्रयत्न करलन जगह के खूबसूरती में चार चांद लगाए होला ईख की खेती यही वजह न हमने के देश के स्वर्ग बुलल जला आखिर में श्री बोली जी आप कौन सी बोलवा हम बोलते हैं कि हम भी से एक जोली प्रोग्राम बनाई लेगा कभी ने सोच ले ली कि इतना को जोली प्रोग्राम फॉरेस्ट प्लांटेड फॉरेस्ट के प्रोग्राम में हम के फॉरेस्टर के वालेर आर्ट के भी आगे डाल दे लोगा फॉरे के ले इम्पोर्टेंस बतावा तो फॉरेस्टर लोग के इम्पोर्टेंस बतावा तो हम बहुत खुशी हैं एक जन प्रोग्राम इनिशिएटिव बोले हो जा एमबीसी लोग अच्छा और साथ में हजपरी आपके अपन काम के बारे में भी जानकारी दे के अवसर मिलल बाकी हाँ काम के हमने के कौन चीज काम कंट्रोले का इलाज सा मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट का सब बातें तब ने इतना जल्दी जल्दी फोरे 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 बातें तब ना ही पानी इतना पानी अवेलेबल इसमें
अच्छा तो इस तरह मॉरिशस जितना सुंदर बाते, पैराडाइज आइलैंड बाते, जगह जगह मतलब कि मोटाएँ बाते, जंगल बाते, पर इस सब के रख रखाव के पीछे भी अधिकारी गण के हाथ बाते जिनकी लगातार एक काम में लगल होवन जा। तो प्रकृति के गोद में आज खातिर इतना ही, अनुमति द, नमस्ते।